राहुल सिलौरिया ने अभी कुछ दिन पहले ही बिजावर एसडीएम का प्रभार लिया है और पद ग्रहण करने के बाद से मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी तारतम्य में वक्सवाहा में भी कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की गई, जहां एक और घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते पाए गए दुकानदारों पर कार्रवाई की, तो दूसरी ओर खुले में बिक रहे डीजल पेट्रोल पर भी फूड इंस्पेक्टर के साथ कार्रवाई की। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर भी जाकर सैंपल लिए तथा माप तौल भी किया गया है। एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाई समय समय पर होती रहेगी। चार्ट कहाँ है इसका? अंदर रखा ले आओ। सबकी रीडिंग नोट कर लो मशीन की, रीडिंग नोट कर लो। कई कार्य कार्रवाई भी देखने मिली है, क्या क्या रहा और किन चीजों पे कार्रवाई क्या रहेगा? जी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो मिलावट के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा गया है उसमें हम लोग कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। कई जो दुकानें हैं जहां पर हम लोगों ने देखा कि कमर्शियल के बजाय घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है, वहां हम लोगों ने सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई की। दुकानदारों को हमने हिदायतें दी हैं कि जो खाद्यान्न है जो जनता को दिया जा रहा है उसको ढक के रखें, जिस प्रकार दूषित ना हो खाद्यान्न। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पेट्रोल पंप की जाँच की है। पेट्रोल पंप में हम लोगों ने चेक करने की कोशिश की कि क्या डेंसिटी से बराबर है या नहीं है। इसके अलावा 5 लीटर में हम लोगों ने सबके सामने माप के देखा है कि 5 लीटर पेट्रोल पंप रीडिंग लेने पर 5 लीटर ही अपने कंटेनर में आता है नहीं आता है। इस प्रकार मिलावट के विरुद्ध बिजावर में हम लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ पर हमने सैंपल भी लिए हैं, सैंपल चेक करने के लैब में जो है। इस तरह से मिलावट के विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस समय सर आने वाले समय में देखा जाए कार्रवाई जारी रहेगी? जी हाँ बिल्कुल जारी रहेगी। और मेरी एक अपील है इस संबंध में कि खुले में जो पेट्रोल या डीजल बेचा जा रहा है आप लोग वहां से पेट्रोल डीजल ना खरीदें, अन्यथा देखिए इसको बढ़ावा मिलेगा और कोई दुर्घटना हो सकती है। हम लोग तो उस पर जुर्माना और जब्ती कार्रवाई कर ही रहे हैं। अब मेरी अपील ये रहेगी कि जो खाद्यान्न आप लोग ले रहे हैं कोविड के मद्देनजर हम लोग भी ढका हुआ खाना दुकानदार परोसें और हम लोग भी ऐसी दुकानों से खाना खरीदे जाएं, साफ सफाई जो है हमारी साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ। और खुले में जो पेट्रोल डीजल मिलता है उसे बिल्कुल खरीदे ना, और अगर कोई आपको मिलता है तो उसकी शिकायत तुरंत करें, क्योंकि तो दुर्घटना हो सकती है। इससे कोई बड़ी दुर्घटना अगर होती है तो बहुत खेदजनक होगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।